हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप का एक अच्छा ही वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है। यहां पे आईटीआई के सभी स्टूडेंट के लिए यहां पे वैकेंसी आया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ सभी ट्रेड से आया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं। लिंक पे आने के बाद आपको वेबसाइट पे आने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, और यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, जब अप्लाई करना होगा तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए साथ में और क्या क्या एज लिमिट होनी चाहिए, ये सभी जानकारी ले लेते हैं। नोटिफिकेशन हम आपके सामने ओपन कर रहे हैं। देखिए ये मैंने ऑलरेडी अब डाउनलोड कर रखा था नोटिफिकेशन, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड। यहाँ पे जो वैकेंसी आया हुआ है वो फीटर ट्रेड वालों के लिए, फीटर वेल्डर से 9, इलेक्ट्रीशियन से 9, फीटर से 13 है, MMB यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल 9 है, मशीनिस्ट से 5 है, टर्नर से 5 है, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन से 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से 2 है, ड्राफ्टमैन से 4 है। ड्राफ्टमैन, ठीक है, ये ड्राफ्टमैन सिविल है, 4 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, 2 पोस्ट है। कोपा से 3 पोस्ट है। फूड प्रोडक्शन जनरल से 2 है। लेबोरेटरी ऑपरेटर से है 10, ठीक है, और अटेंडेंट ऑपरेटर से है 10, अकाउंटेंट से है 2, बैक ऑफिस अप्रेंटिस से है 17, एक्सक्यूटिव मार्केटिंग से है 2 और HR का है 8, CS यानी एक्सक्यूटिव है 9 और एक्सक्यूटिव F&A है 4, ऑफिस असिस्टेंट का है 3, ठीक है, और वेयर हाउस एक्सिक्यूटिव से 2, स्टोर कीपर से है 5 और डाटा एंट्री ऑपरेटर से 5 है। यहाँ पे देखिए जो डॉलर का सिंबल है 2 में, असिस्टेंट ऑफिस और वेयर हाउस एक्स, तो इनके लिए है डॉलर का सिम। स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स होना चाहिए, और जो हैज का निशान बना है स्टोर कीपर और डाटा ऑपरेटर के लिए, तो ये फ्रेशर अप्रेंटिस होनी चाहिए। चलिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता चल गया, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आईटीआई वालों के लिए, 10+ आईटीआई जो ट्रेड है आपका वो होना चाहिए, चाहे रिलेवेंट ट्रेड कोई भी हो, फिटर वेल्डर टर्नर इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ सभी ट्रेड वालों के लिए आया हुआ है, सबका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हाई स्कूल और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है, देखिए यहाँ से 1 ट्रेड कोड दिया है, ट्रेड कोड दिया है 1 से लेकर और 24 तक। तो यहाँ पे कुछ 12 वालों के लिए भी है, स्टोर कीपर और डाटा एंट्री, तो 24 कोड तक आप याद रखिएगा, 1 से लेकर 24 कोड तक दिया हुआ है। यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट जो NCVT वाले हैं केवल वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ एंट्री सर्टिफिकेट यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। SCVT वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फॉर ऑल द ट्रेड कोड यहाँ पे दिया है, जो कि आपका जब क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका होना चाहिए 50% होना चाहिए आईटीआई ट्रेड में, जो आया आपकी डिग्री में, या आप 12 किए हुए हैं या डिग्री होल्डर है तो भी। यहाँ पे एज लिमिट की बात करो तो एज लिमिट 18 से 24 वर्ष होना चाहिए, और ST SC OBC है तो आपको अलग से 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी मिलेगा कोड 1 से लेकर 12 तक 8,050 रुपये मिलेगा, ट्रेड कोड 13 से 20 तक 9,000 रुपये मिलेगा, ट्रेड 21 से 22 तक 7,000 मिलेगा, और ट्रेड 23-24 को 3,500 मिलेगा फर्स्ट 3 मंथ के लिए, उसके बाद 7,000 रुपये नेक्स्ट 12 मंथ के लिए कर दिया जाएगा। यहाँ पे पीरियड जो अप्रेंटिसशिप का है टोटल 15 महीने का है, जिसमें 3 मंथ आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा और 12 मंथ क्या होगा आपका जॉब का ट्रेनिंग चलेगा। जो सिलेक्शन है आपका आईटीआई और डिग्री में जो आप परसेंटेज पाए हुए हैं उस परसेंटेज मार्क पे होगा, यानी कि एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ आईटीआई ट्रेड में जितना नंबर लाए हैं उसके हिसाब से होगा। अगर आईटीआई ट्रेड में आपने मान लीजिए 2 स्टूडेंट ने सेम नंबर ला दिया तो उसके हाई स्कूल में भी चेक किया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल में जिसका अधिक होगा उसको दिया जाएगा। अगर हाई स्कूल में दोनों स्टूडेंट आईटीआई में भी सेम है हाई स्कूल में भी सेम है तो उनको दिया जाएगा, किसी स्टूडेंट को जिनका एज ज़्यादा होगा, जो सीनियर होंगे उनको दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का पहले मौका। रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन देखिए ये ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप भरना फॉर्म ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे आपको भरना चाहिए, आपके लिए क्या क्या होना चाहिए। एक ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों तो होना ही होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपके पास पर्सनल होनी चाहिए जिससे ये फ्यूचर कम्युनिकेशन कर सके।
और साथ में साथ आपके डॉक्यूमेंट कुछ होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपको देखिए, बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप पोजिशन कैंडिडेट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ अप्रेंटिसशिप पोर्टल, यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ आर जी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको एक नंबर मिल जाएगा C123 ऐसे करके, तो उस नंबर को आपको ले लेना है। अगर आपने इस पर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप जाकर रजिस्टर पहले करिएगा इस पर, यहाँ यही लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो नंबर आपको ले लेना है। फिर आपको अप्लाई करते समय आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं ये www.cpcl.co.in को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसका आपका वैलिडिटी डेट है 18 यानी कि आज से लेकर 1/11/2020 तक आपका अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी है आपको फॉलो करना होगा। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है अगर आपको ये सभी जानना है तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये मेन मेन जानकारी थी जो आपको देना था, और ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए हम अप्लाई भी करके दिखा सकते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि ऑलरेडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये है, क्रोम ब्राउजर में खोल लेंगे आप। तो जब आप ये वेबसाइट खोल लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, तो यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे दे रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा इस टाइप का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड अप्रेंटिस 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि फुल नेम यहाँ पे देना है, आपका फादर नेम यहाँ पे फिलअप करना है, मदर नेम यहाँ पे फिलअप करना है, जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर होने चाहिए ये डालिएगा, पर्सनल ईमेल आईडी, जो भी चीज़ें आपको डालते वक्त आपको कुछ भी गलती नहीं करना है। फॉर्म सबमिट मत करिएगा, पहले 2 से 3 बार मिला लीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम और फादर नेम, ये सभी एक्यूरेट मिलाइएगा, एग्जैक्ट होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट जैसे हाई स्कूल और ITI ट्रेड पे। फिर यहाँ अप्रेंटिस ट्रेनिंग अप्लाइड फॉर ट्रेड, यानी कि ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो आपको खुलकर आ जाएगा किस में आप डालना चाह रहे हैं, यहाँ सभी ट्रेड ओपन हो जाएगा। देखिए फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, MMB, जो भी आपको डालना होगा वो डाल लीजिएगा। फिर आपको क्वालिफिकेशन डालना है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ITI किए हैं या BSc किए हैं, BCom किया है या एनी ग्रेजुएशन किए हैं, MBA किए हैं, ठीक है, या 12th पास हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये भी चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप NCVT से ITI किए हो तो ITI डाल दीजिएगा। फिर आप कितने ड्यूरेशन तक पढ़े हैं, अगर ITI किए हैं तो 2 साल किए होंगे, कितने साल का था, ग्रेजुएशन किए हैं तो 3 साल का कोर्स था या 2 साल का कोर्स था, आपको ये देना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग ITI और ग्रेजुएशन, जैसे मान लीजिए आपने 2017 में पास किया तो यहाँ 2017 पास आउट लिख दीजिएगा, 2018 में पास आउट हो 2018 लिख दीजिएगा, 2019 में पास आउट है तो 2019 लिख दीजिएगा, ऐसे आपको पास आउट ईयर लिख देना है। अगर आप ITI किए हो तो ITI वाला लिखिएगा, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन वाला। फिर आपको जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है उस इंस्टीट्यूट का कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है, और आपका कितना परसेंटेज है, ITI किए हैं तो ITI का परसेंटेज लिखिएगा और ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज लिखिएगा। और यहाँ पे परसेंटेज हाई स्कूल का लिख देना है, देखिए यहाँ पे 10th और SSC LC यानी कि यहाँ पे 10 का परसेंटेज लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने 86% पाया हुआ है तो 86% भर दीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा रिलीजन है आपका, रिलीजन भर दीजिएगा, हिंदू है, क्रिश्चियन, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है या अदर है, जो भी है आप उसको फिलअप कर लीजिएगा। फिर आपका कौन सा कैटेगरी, ST SC है, OBC है या जनरल है या EWS है, जो भी है आपका वो फिलअप कर लीजिएगा, जनरल है तो जनरल। फिर यहाँ बिलोंग टू पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आप जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अपंग हैं, लंगड़े हैं, जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करिएगा ना। और उसके बाद आपका एड्रेस कम्युनिकेशन में डालना है, एड्रेस में अपना एड्रेस डाल दीजिएगा जहाँ आप रहते हैं, जैसे विलेज प्लस पोस्ट जहाँ भी आपका होगा यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आप किस स्टेट से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिएगा और अदर जगह से हैं तो अदर जगह का सिलेक्ट करिएगा। फिर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मांग रहा है, मैं ऑलरेडी बोला अगर आपने अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करिए, वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, उस कैप्चा को फिलअप कर लीजिएगा।
और इंट्री डेट आज का दिखाएगा जब आप फिलअप कर रहे होंगे और वो टाइम दिखाएगा। फिर ये फिलअप होने के बाद एक बार क्या करिएगा, आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, अप्रेंटिसशिप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि आप फिटर हैं तो वेल्डर भर देंगे, ऐसा मत करिएगा, जो है ट्रेड वही भरिएगा, अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। सभी चीज़ें ट्रेड चेक करने के बाद फाइनली जब आप सभी चीज़ें एक्यूरेट पाइएगा तो आप यहाँ पे पहले तो क्या करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा ना, यहाँ पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा तो आपका ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आप सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए कोई फीस नहीं है, आप फ्री में अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने ITI स्टूडेंट के साथ और ग्रुप में, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसे ही वैकेंसी और सरकारी नौकरी, जो भी नोटिफिकेशन आता है आपको मिलता रहता है, और साथ ही तैयारी भी करवाते हैं।